Hello children, this is Anjum Sheikh, teacher working at Government Middle School Dusera, Block Abhanpur, District Raipur, Chhattisgarh. सबसे पहले बताइए, what according to you is freedom? आपके अनुसार freedom या स्वतंत्रता क्या है? हम सोचते हैं स्वतंत्रता विचारों की हो, या हमें कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता हो. समाज में हर व्यक्ति को हर प्रकार के कार्य और पढ़ने की स्वतंत्रता हो. तो आइए हम इस फ्रीडम या स्वतंत्रता का अर्थ जाने. आज हम जो पोयम पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम क्लास 8, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. द पोएट ऑफ दिस पोयम इज रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव जी, एंड ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी. ही वॉज राइटर ऑफ अवर नेशनल एंथम एंड ऑल्सो द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन नोबल प्राइज इन 1913. गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी हमारे देश के ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी रचना गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए एक एज अ नॉन यूरोपियन नोबल प्राइज जिन्होंने जीता था. तो आज हम इनकी ये पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पढ़ेंगे. ये पोयम जो है ये गुरुदेव जी की ईश्वर से एक प्रार्थना है जिसमें उन्होंने अपने देश के लिए एक ऐसे देश की कल्पना की है, एक ऐसा देश, एक ऐसा समाज और एक ऐसे लोग जो भयमुक्त वातावरण में बिना डरे निडर होकर निरंतर कार्य करे, परिश्रम करे और अपने संकुचित विचारधाराओं को छोड़कर आगे बढ़े, सतत प्रगति करे. ये उनका एक प्रकार का सपना है. और ऐसे भारत का निर्माण जब होगा तो हमारे देश के लोग तरक्की करेंगे, समाज सोसाइटी तरक्की करेगी और हमारा देश जो है वो विकास के पथ पर अग्रसर होगा. तो बच्चों आइए हम अब इस पोयम को पहले रीड करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे. वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forwarded by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. तो बच्चों अब हम पहली लाइन से शुरू करते हैं. Where the mind is without fear and the head is held high. Fear यानी आपको पता है डर या भय. हेड इज हेल्ड हाई यानी सिर ऊंचा रखा जाता है. गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और वो एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं कि जहाँ पर हमारे देश के लोग भय मुक्त हों, निडर हो, बिना डरे एक भय मुक्त वातावरण में वे कार्य करे रहे. क्योंकि जब मन में भय होता है तो इंसान विकास नहीं कर सकता है, और जब किसी देश का नागरिक विकास करता है तो उस देश का समाज सोसाइटी विकास करती है, उस देश के लोग विकास करते हैं और देश विकास करता है. इसलिए गुरुदेव जी एक भय मुक्त वातावरण की कल्पना कर रहे हैं अपनी प्रार्थना के जरिए. एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और साथ ही हमें अपना सिर ऊंचा करके चलना है. हमारा सिर गर्व से ऊंचा होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं. जब हम भयमुक्त वातावरण में काम करेंगे, निडर होकर कार्य करेंगे तो
हम विकास करेंगे और हमारा और हमारे देश का सिर गर्व से सम्मान से ऊंचा होगा। वेयर नॉलेज इज फ्री, बच्चों नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान या शिक्षा। यहाँ पर नॉलेज का अर्थ शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में लिया गया है। जहाँ शिक्षा मुक्त हो, बच्चों आज़ादी के पहले हमारे देश में कुछ विशेष वर्ग प्रिविलेज्ड फ्यू को ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी इस बात का विरोध करते हुए कहते हैं कि शिक्षा का अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। एवरीवन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, हर किसी को शिक्षा ग्रहण करने का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया है तो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार भी सबको बराबरी का मिलना चाहिए। आज़ादी के पूर्व हमारे देश में कुछ विशेष वर्ग प्रिविलेज्ड फ्यू को ही उच्च शिक्षा का अधिकार था और हमारे देश के लोगों को उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन नहीं दिया जाता था। इसलिए उस बात का विरोध करते हुए गुरुदेव जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे देश में सभी को शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त हो और साथ ही यहाँ पर नॉलेज इज फ्री का एक दूसरा अर्थ है शिक्षा मुफ्त में प्राप्त हो। शिक्षा का अधिकार समानता का अधिकार हो और साथ में शिक्षा मुफ्त में अवेलेबल हो। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे देश में नॉलेज इज फ्री यानी कि शिक्षा मुक्त हो, किसी भी प्रकार के बंधन से स्वतंत्र हो और मुफ्त हो यानी कि निःशुल्क शिक्षा का सबको अधिकार हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, बच्चों यहाँ नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मीनिंग है संकीर्ण घरेलू दीवारें या संकीर्णता और फ्रैगमेंट्स का अर्थ होता है टुकड़ा। जहाँ पर दुनिया या हमारा जो समाज है वो छोटे छोटे संकीर्ण घरेलू दीवारों यानी जो संकीर्णता होती है उस पे बटे हुए ना हो। यहाँ पर संकीर्णता का अर्थ है हमारा समाज पहले जाति पाति धर्म भेदभाव विभिन्न प्रकार की भाषाएं परंपराएं कुरीतियों में बटा हुआ था। तो गुरुदेव जी का जो सपना है कि मेरा समाज इन सब टुकड़ों में बटा हुआ ना हो, हम सब एक हैं और कोई भी एक दूसरे को अपने से अलग ना करे और ना समझे, हमारा समाज एकता का परिचय दे और किसी भी प्रकार का उसमें बंटवारा ना हो, लोग एक हो सुदृढ़ हो। नेक्स्ट लाइन है वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ यानी होता है सत्य सच और डेप्थ यानी होता है गहराई। जहाँ लोगों के मुंह से उनके हृदय की गहराइयों से सच बाहर निकले, लोग सत्यवादी हों, मेरे देश के लोग हमेशा सच बोले। और ये कब होगा बच्चों? जब भय मुक्त वातावरण होगा, लोग निडर होंगे और उनको सबके सामने सच बोलने की हिम्मत होगी, तब एक सत्यवादी समाज की स्थापना होगी और गुरुदेव जी ऐसे ही समाज की स्थापना का सपना देखते हैं। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, बच्चों टायरलेस यानी होता है थकान रहित या अथक, स्ट्राइविंग यानी प्रयास प्रयास या संघर्ष या सकारात्मक प्रयास, और परफेक्शन यानी होता है पूर्णता या श्रेष्ठता। जहाँ बिना थके अथक बिना थके लोग लगातार निरंतर संघर्ष करें, सकारात्मक प्रयास करते रहें, काम करते रहें और एक उपलब्धि को प्राप्त करें, एक संपूर्णता को प्राप्त करें, परफेक्शन को प्राप्त करें, यानी कि वे बिना डरे बिना थके निरंतर श्रेष्ठ वर्क करते चले जाएं और अंत में हमारा देश हमारा समाज एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण करें और हम सब पहले से और बेहतर का निर्माण कर सकें। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे
इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। बच्चों यहाँ पर स्ट्रीम यानी है पानी की धारा, जल धारा, ड्रेरी यानी सूखे, डेजर्ट यानी मरुस्थल, डेड हैबिट यानी होता है मृत आदत या बुरी आदत। तो गुरुदेव जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं एक ऐसे समाज की जहाँ रीज़न यानी होता है बच्चों तर्क शक्ति, और यहाँ पर पानी की धारा जल धारा से हमारी तर्क शक्ति की तुलना की गई है। जिस प्रकार पानी की धारा जो है वो निरंतर बहती हुई सतत प्रगति करती है, किंतु यदि वो मरुस्थल में या रेगिस्तान में चली जाती है तो वो अपना वजूद खो देती है, वो वहाँ पर जाकर मृत रेगिस्तान में सूख जाती है। इसी तरह हमारी जो तर्क शक्ति है वो लगातार प्रगति करे लेकिन वो डेड हैबिट के सूखे मरुस्थल में जाकर गायब ना हो जाए। बच्चों यहाँ पर डेड हैबिट जो है, डेड हैबिट यानी मृत आदत, मृत प्राय आदत, बुरी आदत, हमारे समाज में जो कुरीतियाँ पुराने ज़माने से बहुत सारी प्रचलित है, जैसे कि जात पात, छुआछूत, बाल विवाह, तो इन सब कुरीतियों को हमको समाज से निकाल फेंकना है, उनको लेकर हमको आगे नहीं बढ़ना है, और इन कुरीतियों के डेड हैबिट मृत प्राय आदतों के सूखे मरुस्थल में जाकर हमारी तर्क शक्ति जो है वो गायब नहीं होनी चाहिए। हमारी तर्क शक्ति हमेशा जिंदा रहे और हम उसमें हमेशा तरक्की करते रहें। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी इंटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन इंटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। बच्चों हेवन ऑफ फ्रीडम यानी होता है स्वतंत्रता का स्वर्ग, अवेक यानी जागृत करना, वाइडनिंग यानी विस्तृत, और लेट फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ाना। गुरुदेव जी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, मेरे देश के लोगों का जो मस्तिष्क है उस मस्तिष्क का संचालन दी यानी होता है बच्चों आपके द्वारा, दी यानी होता है यू, तो मेरे देश के लोगों के मस्तिष्क का संचालन आपके द्वारा हो। हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरे देश के लोगों का दिमाग जो है वो आपके संचालन में कार्य करे। दी इंटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, और उनके द्वारा उनकी जो सोच हो और उनके जो कार्य हो वो वाइडनिंग यानी होता है विस्तृत, खुले हुए हो, स्वतंत्र हो, वे संकीर्ण विचार वाले ना हों, उनके विचार खुले हों और उनके कार्य जो हैं वो भी सतत प्रगतिशील हों। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, ऐसे स्वतंत्रता के स्वर्ग में माय फादर यानी ईश्वर को संबोधित किया गया है, मेरे ईश्वर, ऐसे स्वतंत्रता के स्वर्ग में मेरे देश को जागृत करो, आगे ले चलो। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि मेरा देश जागृत हो जाए, आगे बढ़े। बच्चों जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई थी, ये तब की पोयम है। हमारा देश 200 वर्षों तक गुलामी के अंधकार में जी रहा था, तब ये कविता लिखी गई थी गुरुदेव जी के द्वारा। तो गुरुदेव जी का ये सपना था कि मेरे देश के लोग जागृत हो जाए, और जब मेरा देश आज़ाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, तो मेरे देश के लोग आगे बढ़ें, तरक्की करें, विकास करें, और इस प्रकार मेरा देश भी आगे बढ़े, तरक्की करे और ऊंचाइयों तक, ऊंचाइयों के सोपान तक मेरा देश पहुँचे। बच्चों अब हम एक्सरसाइजेस की ओर चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन वन इज मेक अ लिस्ट ऑफ द क्वालिटीज फाउंड इन द हेवन ऑफ फ्रीडम। हेवन ऑफ फ्रीडम की जो क्वालिटीज़ है वो आपको लिस्टिंग करना है यहाँ पर। तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ आपने पढ़ा है अभी पोएम में,
फॉलोइंग आर द क्वालिटीज फाउंड इन द हेवन ऑफ फ्रीडम. नॉलेज इज फ्री, शिक्षा मुक्त हो. द माइंड इज विदाउट फियर, लोगों का दिमाग भय मुक्त हो. वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सच की गहराइयों से शब्द निकले. द हेड इज हेल्ड हाई, सिर गर्व से ऊंचा हो. एंड द लास्ट सोसाइटी इज यूनाइटेड, हमारा समाज एकीकृत हो, हमारे समाज में हमारे देश में एकता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डज द पोएट एड्रेस व्हेन ही सेज माय फादर, जब कवि माय फादर कहते हैं तो वह किन्हें इंगित करते हैं, तो बताइए बच्चों. तो द आंसर इज द पोएट एड्रेसेस गॉड व्हेन ही सेज माय फादर, जब पोएट माय फादर कहते हैं तो वो गॉड को, भगवान को, ईश्वर को इंगित करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी डज द पोएट ड्रीम अबाउट, कवि ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की है, तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों. द पोएट ड्रीम्स अबाउट अ कंट्री वेयर पीपुल ऑफ ऑल कास्ट कलर्स एंड क्रीड्स आर ट्रीटेड इक्वली. कवि ने एक ऐसे समाज की कल्पना की है जहाँ जो लोग हैं वो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के हों, रंग के हों, सभी को एक समान यूनिफॉर्म रूप में ट्रीट किया जाए, सभी को समानता का अधिकार प्राप्त हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर शुड द माइंड बी लेड, मस्तिष्क को कहाँ ले जाया जाए. तो बच्चों आपने पोयम में पढ़ा है द माइंड शुड बी लेड टू एक्सेप्ट अदर पीपल्स थॉट, आवर एक्शंस शुड ऑल्सो बी लाइक दैट. हमारा जो मस्तिष्क है उसे हमें दूसरे लोगों की सोच तक ले जाना है और हमारे जो कार्य हैं उनके जैसे हो, दूसरों के लोगों तक हमारे भी कार्य पहुँचे, हमारे विचार, हमारे कार्य खुले हों, स्वतंत्र. नेक्स्ट क्वेश्चन इन वॉट सेंस इज हेवन ऑफ फ्रीडम यूज्ड, हेवन ऑफ फ्रीडम किस अर्थ में यूज हुआ है. हेवन ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता का स्वर्ग, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों. हेवन ऑफ फ्रीडम इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द पीपल शुड बी फ्री फ्रॉम फियर एंड नैरो माइंड. स्वतंत्रता का स्वर्ग जो है वो स्वतंत्रता के अर्थ में, इंडिपेंडेंस आज़ादी के अर्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है, और साथ ही लोग जो हैं वो भय मुक्त हों और वे नैरो माइंड ना हों, संकीर्ण विचारधारा के ना हों. तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम्स, यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इन वर्ड्स को पढ़कर समझना है और उसके अपोजिट वर्ड से उसका मैच करना है. तो बच्चों कॉलम ए में पहला वर्ड है एवर, एवर का अपोजिट वर्ड आप कॉलम बी से ढूंढेंगे तो क्या होगा, नेवर. जस्ट लाइक इट हाई, हाई का अपोजिट वर्ड होगा लो. फ्रैगमेंट्स होल, नैरो, नैरो का होगा ब्रॉड. डीप, डीप का अपोजिट वर्ड होगा शैलो. स्ट्रेच, स्ट्रेच का क्या होगा बेटा, यस फोल्ड. लॉस्ट, लॉस्ट का अपोजिट फाउंड. ड्रेरी, ड्रेरी का अपोजिट चीयरफुल. डेजर्ट, डेजर्ट का अपोजिट ग्रीनरी. डेजर्ट यानी होता है रेगिस्तान और ग्रीनरी यानी हरा भरा. एंड द लास्ट हेवन, हेवन का अपोजिट हेल. ओके बच्चों अब आप सबके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, राइट फाइव लाइन्स अबाउट योर ड्रीम इंडिया, आप कैसे भारत की कल्पना करते हैं, मेरे सपनों का भारत, इस पर आप 4-5 लाइन लिखिए और अपने घर में बड़ों को दिखाइए. सो गुड बाय चिल्ड्रन.